हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कॉमन फ्रेजेस जिनको हम अपनी इंग्लिश में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को एडवांस और स्मार्ट बना सकते हैं। तो आज का कॉमन फ्रेज नंबर वन है शुडंट वी। इसका मतलब होता है क्या हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुडंट वी आस्क फॉर परमिशन, क्या मुझे उससे परमिशन नहीं लेनी चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा है हैव यू एवर, मतलब होता है क्या आपने ऐसा काम कभी किया है। हैव यू एवर सीन द टाइगर, क्या आपने कभी टाइगर देखा है। नेक्स्ट हमारा है नॉट अनटिल, मतलब जब तक, ठीक है। डोंट कॉल हिम अनटिल ही कम्प्लीट हिज वर्क, जब तक वो अपना काम कम्प्लीट ना करे उसको कॉल मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है हाउ कम, ऐसा कैसे हुआ। हाउ कम यू आर लेट टुडे, ऐसा कैसे हो गया कि आज तुम लेट हो गए। द नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कब और कितनी बार आपने ये काम किया है। हाउ ऑफन द ट्रेन इज स्टॉप, मतलब कितनी बार ये ट्रेन यहाँ पर रुकती है, क्या आपको पता है। द नेक्स्ट कॉमन फ्रेज इज़ आई वुड लाइक टू, जब आपको किसी चीज़ के लिए किसी से पूछना हो, आप बोलना चाहते हो कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू द कॉफ़ी टू द डिनर, सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेज। एंड द नेक्स्ट वन इज़ आई हैव नो आइडिया, जब आपको पता हो किसी से बोलना हो कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया वेयर द लगेज इज, मुझे नहीं पता कि सामान कहाँ है। द नेक्स्ट इज आई हैव गॉट टू, दिस इज़ द बेस्ट एंड इन द ट्रेंड, दिस फ्रेज इज इन द ट्रेंड दीज डेज, सो इसका मतलब होता है कि मुझे ज़रूर करना है, ठीक है। आपको कोई काम ज़रूर करना है तो आप यूज़ करेंगे आई हैव गॉट टू, ठीक है। कोई भी काम, आई हैव गॉट टू डू दिस वर्क, आई हैव गॉट टू गो देयर लाइक दिस। एंड द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट फ्रेज इज आई विल लेट यू नो, मतलब मैं तुम्हें बता दूँगा, ठीक है। आई विल लेट यू नो द टाइमिंग फॉर द मूवी, ठीक है, मैं मूवी की टाइमिंग आपको बता दूँगा। आप इस फ्रेज को जरूर यूज़ करें अपने कन्वर्सेशन में, ओके। एंड आई हैव बीन, इसका मतलब हो रहा होता है कि मैं ये काम करता आ रहा हूँ, ठीक है। लाइक आई हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर 2-3 ईयर्स, मैं 2-3 सालों से गिटार बजाता आ रहा हूँ। जब आपको कोई काम लगातार करना हो तो आई हैव बीन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर से सारे फ्रेजेस को एक बार रिपीट करने जा रही हूँ। शुडंट वी, हैव यू एवर, नॉट अनटिल, हाउ कम, हाउ ऑफन, आई वुड लाइक टू, आई हैव नो आइडिया, आई हैव गॉट टू, आई विल लेट यू नो, आई हैव बीन प्लेइंग गिटार फॉर 2-3 ईयर्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।